बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अब नशेड़ियों की इंडस्ट्री बन चुकी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद जब ड्रग्स का एंगल आया तो कई सारे खुलासे हुए। कई सारे अभिनेता व अभिनेत्रियों पर एनसीबी ने शिकंजा कसा और कुछ नामी चेहरे भी इस शिकंजे में फंसते हुए नजर आए। और इसी कड़ी में अब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ध्रुव पर ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल एक अन्य आरोपी मुजम्मिल अब्दुल रहमान शेख को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद एनसीबी ने ये बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले मुजम्मिल अब्दुल रहमान शेख को अरेस्ट किया। आरोपी मुजम्मिल के यहाँ से 35 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया है। मुजम्मिल के सेल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें ध्रुव ताहिल के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई है। इसमें ध्रुव ताहिल ने मुजम्मिल से कॉन्ट्राबैंड समेत दूसरे ड्रग्स कई बार मंगवाए थे। एंटी नार्कोटिक सेल बांद्रा यूनिट ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि ध्रुव ताहिल पर ड्रग्स मांगने के अलावा आरोपी मुजम्मिल के बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में 6 बार अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की बात भी सामने आई है। ध्रुव मुजम्मिल से 2019 से लेकर मार्च 2021 तक संपर्क में था। बुधवार को पुलिस ने ध्रुव ताहिल को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की जाँच अभी भी जारी है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस केस से जुड़े कई और बड़े सितारे भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है वैसे वैसे कई नामी चेहरे भी इस शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामला जब से ड्रग्स एंगल में तब्दील हुआ है, तब से ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है। इस शिकंजे में बॉलीवुड की तमाम हसीनाएं भी फंस चुकी हैं। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती, जिन पर कई सारे इल्जामात लगाए गए थे, वो इस केस से अब बरी हो चुकी हैं। सबसे पहले उन पर इल्जामात लगाया गया कि उनकी वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। फिर बाद में ड्रग्स का भी केस उनको लेकर जोड़ा गया, लेकिन बाद में जब मामले की छानबीन की गई तो रिया उस हिसाब से आरोपी नहीं साबित हो पाई। लेकिन धीरे धीरे एनसीबी की छानबीन में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी फंसे। ड्रग्स पैडलर से बातचीत हो या फिर ड्रग्स सप्लाई करने का मामला, कई सारे सितारे एनसीबी के हिरासत में आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ के दौरान उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही एक्टर दिलीप ताहिल की बात करें तो हिंदी सिनेमा के ये दिग्गज कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बेटे ध्रुव ताहिल की फोटो शेयर कर उसके बॉलीवुड करियर को लेकर हिंट दिया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, मेरा बेटा ध्रुव उभरता हुआ एक्टर। हालांकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर दिलीप ताहिल का जिक्र कहीं पर भी किया जाता है तो उनको लेकर जया प्रदा वाला किस्सा सभी के सामने आ जाता है। दरअसल हुआ यूं था कि एक फिल्म में दिलीप ताहिल और जया प्रदा साथ में काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान जया प्रदा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे सबके सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा था। दरअसल एक फिल्म में उन्हें दिलीप ताहिल के साथ इंटीमेट सीन शूट करना था। इस सीन के लिए जैसे ही कैमरा रोल करना शुरू हुआ वैसे ही दिलीप बेकाबू हो गए। उन्होंने जया प्रदा को कसकर पकड़ लिया। जया खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। जब उन्हें ज्यादा तकलीफ होने लगी तो उन्होंने दिलीप को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्होंने दिलीप से कहा कि ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। इस हरकत के बाद काफी देर तक शूटिंग ठप भी पड़ी रही।